नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अगर बात की जाए जिस तरीके से कर्नाटक का रिजल्ट जो सामने आया उसके बाद दिल्ली और भोपाल लगातार मंथन पर है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जो सीटें भारतीय जनता पार्टी अनुमान लगा रही थी कि उतनी सीटें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर, उनके बड़े नेताओं पर मायूसी है। वहीं अगर बात करें तो अब ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से मिल सकता है। वहीं अगर बात करें तो संगठन अभी बदलाव को लेकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। साथ ही सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार है, वहाँ पर जो मंत्री है उनमें भी बड़ा एक बदलाव जो फेरबदल करने को हमें देखने को मिल सकता है, और शिवराज कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ऐसी बात करें जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त जो अभी शिवराज सरकार के कैबिनेट में जो मंत्री है उनको भी जो है हटाया जा सकता है। साथ ही अगर बात करें किस तरह की सूची है, किस तरीके से कौन से मंत्रियों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं, वहीं अगर बात करें तो किस तरीके से नए मंत्रियों को, नए विधायकों, नेताओं को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है अब जो खबरें निकल के आ रही है। अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल से सर्वाधिक मंत्री है। जैसे मैं बात करें कैबिनेट में शामिल मंत्रियों और उनके क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए शिवराज कैबिनेट में ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे ज़्यादा 9 मंत्री शामिल है। वहीं अगर बात करें इसमें कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, यशोधा राज सिंधिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, अरविंद भदौरिया के साथ राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और ओपी सिंह भदौरिया और सुरेश धाकड़, ब्रजेश सिंह यादव के नाम शामिल है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसी के तहत मालवा निर्माण में से भी 9 मंत्री शामिल है, जिसमें तुलसी सिलावट है, हरदीप सिंह डंग है, प्रेम सिंह पटेल है, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव है, ओम प्रकाश सकलेचा है, दगजीत देवड़ा है, विजय शाह है, उषा ठाकुर है, मोहन यादव शामिल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सबसे ज़्यादा जबकि बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी शिवराज कैबिनेट में 4 कैबिनेट मंत्री, जिसमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और ब्रजेश प्रताप सिंह का नाम शामिल है। इसके साथ अगर बात करें, एक खास बात यह है कि इनमें से 3 मंत्री तो एक जिले से ही आते हैं, जिसकी वजह से अन्य उपेक्षित जो विधायक हैं वे उपेक्षित अपने आप को समझ रहे हैं। साथ ही अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो खबरें निकल के सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि किन विधायकों को जो है आने वाले एक हफ्ते के अंदर कैबिनेट में विस्तार किया जाएगा, किस तरीके से नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। तो अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा निर्णय ले सकती है। संगठन जो है सत्ता में, शिवराज कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव कर सकता है, जिसमें माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें श्रीमंत समर्थकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जिस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया चाहते हैं उनके जो विधायक है, उनके जो समर्थक है, उनको भी जो शिवराज कैबिनेट में जगह मिले। तो ऐसे में बात करें जो खबरें निकल के आ रही है, जो जानकारी निकल के आ रही है, उसमें माना जा रहा है कि विष्णु खत्री, जसपाल सिंह जज्जी, हरिशंकर खटीक, ब्राह्मण कोटे से राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला और संजय पाठक और ओबीसी वर्ग से मनोज चौधरी, महेंद्र हाड़िया का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिन्हें मंत्री बना सकता है, एसटीएससी से सुलोचना रावत, जनरल कैटेगरी से चेतन कश्यप का नाम भी सामने आ रहा है। जिस तरीके से लगातार चेतन कश्यप और अगर बात करें तो मंदसौर विधायक जो यशपाल सिंह सिसोदिया, उनका नाम भी लगातार सुर्खियों में रहा है। चेतन कश्यप का नाम भी लगातार सुर्खियों में रहा है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक खबर निकल के सामने आ रही है कि इनमें जो इन नेताओं को भी आने वाले वक्त में शिवराज कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में जो रिजल्ट आया उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव सत्ता संगठन में किया जा सकता है, शिवराज कैबिनेट में किया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। इस तरीके अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।